वेलकम यू बैक टू द चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि अपने सीनियर्स को देख के फर्स्ट ईयर के जो MBBS स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स यू नो नीट PG की जो कोचिंग ऐप है, नेक्स्ट की प्रेपरेशन है, अभी से यू दे आर यू नो इन कॉन्स्टेंट थॉट ऑफ दैट। एंड ऑन द सिमिलर नोट फिर वो सोचते हैं कि क्या हमको यू नो डैम्स मैरो प्रेप लेडर वॉट एवर। सो आपको क्या वो चाहिए एंड अगर आपको चाहिए भी तो आपको कैसे डिसाइड करना है कौन सा लेना है। सो दिस वीडियो विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड दिस इज एन ऑनेस्ट ओपिनियन। आई वुड अगेन लाइक टू रिमाइंड यू दैट दिस इज नॉट एट ऑल एनी स्पॉन्सर्ड पोस्ट। दिस इज समथिंग जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी एडवाइस है और मेरे हिसाब से आप क्या कर सकते हैं। तो राइट, सो लेट्स बिगिन यू नो विद द वीडियो। यू कैन DM me on MedShorts if you have any other query or comment below as well. So now let's start with the video and as we start, before I would like to tell you that MBBS first year ke jo notes hai, question bank hai, important topic list, wo available hai, link in description, you can check that out. So now let's begin with the you know understanding that do you really require these kind of platforms, right? So now let's understand the big picture ki kya basically hota hai MBBS first year mein aur usko aap kaise utilize kar sakte hain. सो जो भी पहला एक कंस्ट्रेंट फैक्टर है कि टाइम, ठीक है? तो एक MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के पास टाइम रहता कहाँ है? 8 या 9 बजे से कॉलेज लगता है, 4 से 5 बजे तक लगता है। उसके बाद बॉयज़ का टाइम तो सीनियर के पास जाता है, गर्ल्स में भी अधिकतर टाइम सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन होता है एंड मैनी अदर थिंग्स आर देयर, राइट? सो यूजुअली और आपके पास फिर सोशल सर्कल भी, आपका फ्रेंड्स के साथ भी आप आउटिंग करते हैं, तो यूजुअली एक जो टाइम कंस्ट्रेंट है वो बहुत ज़्यादा MBBS फर्स्ट ईयर में, राइट? कि आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम आपके क्लासेस में चल जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहना पड़ता है, कभी कभार टेस्ट आ जाते हैं। सो कैन यू मैनेज, क्योंकि ये एक अलग फील्ड हो गई, राइट? इट्स नॉट लाइक समथिंग कि ठीक है ऑल दो आपके वही सब्जेक्ट्स है जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है कि आपको वो 100 वीडियो खत्म करने हैं, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ टाइम रिक्वायरिंग एक्सरसाइज, ठीक है? तो क्या सबसे पहले टाइम आपकी लाइफ में है? तो दिस इज यू ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट इट। इफ यू आर समवन हु इज वेरी हैविली ऑक्यूपाइड, इट्स समथिंग दैट यू शुड टेक इन टू कंसिडरेशन बिफोर जस्ट ब्लाइंडली यू नो टेकिंग दोज ऐप एंड मे बी रिग्रेटिंग कि मैं कुछ कवर ही नहीं कर पाया, राइट? एंड मे बी समवन यू, आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। तो कितना टाइम निकालना है वो मैं अब आपको बताता हूँ बेसिकली। फिर अब आप समझते हैं नेसेसिटी, राइट? तो क्या जरूरी है क्या, राइट? सो नाउ जरूरत की बात, लाइक वी कैन मे बी थिंक इट इज ऑफ टू टाइप्स, लाइक सो एक जो पहला टाइप है उसमें ये है कि आपका जो नॉर्मल आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है MBBS फर्स्ट ईयर का, वो तो आप सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करके, आपके लेक्चर्स अटेंड करके, चाहे कैसा भी वहाँ पे पढ़ाया जाए, अटेंडेंस मेंटेन करके, आखिरी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के आप पास हो जाओगे मोस्टली, ठीक है? तो कहीं भी आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में कोई भी नीट PG प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सो व्हाट इज द नेसेसिटी? नेसेसिटी है यदि आप नेक्स्ट के लिए सोच रहे हैं, नीट PG के लिए सोच रहे हैं और अर्ली स्टार्ट लेना चाहते हैं, राइट? तो अर्ली स्टार्ट के दो पहलू होते हैं। एक अर्ली स्टार्ट होता है जो आप इंटर्नशिपली चाहते हैं कि नहीं यार मुझे जेन्युइनली अच्छा करना है, ठीक है? एक अर्ली स्टार्ट होता है कि या तो दोस्त के बहकावे में, बहकावे नहीं कहना चाहिए, बट दोस्त ने कहा कि मैं ले रहा हूँ तू भी ले ले, सीनियर को देखा ले लिया, ठीक है? तो एक होता है वो वाला अर्ली यू नो स्टार्ट की बस ले लिया, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कहीं पे भी सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका सिर्फ मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जब आप यू नो आगे चल के, अभी नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट आने का अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, बस एक टेंटेटिव फ्रेमवर्क आया है, राइट? सो सपोज अगर आपके सेकेंड ईयर के एंड में भी अगर नेक्स्ट वन जो कह रहे हैं अगर वो हो भी जाता है तो अभी इट्स टू अर्ली, राइट? सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज कि अभी आप ऑब्वियसली सब्जेक्टिव एग्जाम्स का मतलब होता है कि आपको बुक्स पूरी पूरी पढ़ना है, तो दिस इज द गोल्डन पीरियड। आप फर्स्ट ईयर में ही बुक्स अच्छे से पढ़ पाते हो, सेकेंड ईयर से बुक रीडिंग कम होती जाती है, राइट? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि पहले तो आप बुक्स को अच्छे से पढ़ो, ठीक है? नेसेसिटी आपको केवल कब है? जब आपको नोट्स बना के अभी से रखना हो। अभी से आप नोट्स बना लोगे तो आप याद उतना ही रख पाओगे जो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में काम आना है, ठीक है? अगर मैं आपसे कह दूँ स्पायरोमेट्री, तो स्पायरोमेट्री आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में शायद इतना काम का नहीं होगा, बट PG के एंट्रेंस में उसके काफ़ी सारे यू नो एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको अभी समझ में भी नहीं आए, हो सकता है मेडिसिन पढ़ के फाइनल ईयर में समझ में आए। तो अगर आपको बस नोट्स बना बना के रख लेना है, थोड़ा बहुत अभी एग्जाम में अप्लाई कर लिया कि चलो ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है, तो वो अप्लाई करके देख लिया, बट एज सच इट्स नॉट वेरी नेसेसरी, ठीक है? तो मे बी आप लेकर रख सकते हो, आपको नोट्स बनाना है आप नोट्स बना के रख सकते हो, एक हफ्ता हफ्ते में 1-2 घंटा देख के आपने कुछ क्लासेस कर ली, वीडियो देख लिया, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट? सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पॉइंट, स्टाइल ऑफ टीचिंग। ये जो मैं मेन आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक होता है आपका सब्जेक्टिव एग्जाम प्रेपरेशन, एक होता है आपका नीट PG ओरिएंटेड।
तो अब जैसे मैंने आपसे कहा तो कई सारे टॉपिक्स जो इधर चाहिए इधर नहीं चाहिए, ठीक है। मेन क्लैश क्या आता है कि आपको ब्रेकल प्लेक्सस अगर नीट पीजी प्लेटफॉर्म में पढ़ाया भी है, कोई भी प्लेटफॉर्म में, सब पढ़ाते हैं, ठीक है, बट स्टिल आप उस ब्रेकल प्लेक्सस को पढ़ के आपके एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, आपको अभी लिखना भी नहीं आता है अच्छे से, राइट। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि भैया हमको आंसर लिखना होता है तो हमको हेडिंग्स में लिखना होता है, ठीक है, कि ये ब्रांचेज है, फिर ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, फिर ये लीजन है, ये पालसी है, जो भी आपको जो नीट पीजी की ऐप में दिया रहेगा वो बेसिकली नीट पीजी के लिए रहता है, टाइम कम में ज़्यादा रिविजन, ठीक है। तो उसमें आपको वो एक एक हेडिंग बताते नहीं बैठेंगे, ठीक है, वो सीधे बताएंगे ये होता है, इसका ये क्लिनिकल एस्पेक्ट है। तो वो एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अच्छा है, बट वो पढ़ने के बाद भी आपको बुक पढ़ना ही है। तो अगर आपको ये चीज़ हेक्टिक लगती है कि पहले वीडियो देखो, फिर नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद जो है बुक पढ़ो, तो आप अभी तक बुक पढ़ते आ ही रहे होगे, आपने अभी जनरल एनाटॉमी की या अपर लिम की बुक पढ़ी होगी, तो आप एक बार वो टीचिंग मेथोडोलॉजी को जज करके देखो कि क्या मैं प्योर बुक पढ़ के उसके नोट्स बना के या बुक से याद कर पा रहा हूँ, या मुझे पहले एक नोट्स की ज़रूरत है, जो कि आजकल तो काफ़ी जगह टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है पीडीएफ, तो उसके बाद मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं ऐड, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ऐड बहुत करना पड़ता है, आप यहाँ से पढ़ रहे हो, आप यहाँ से ऐड कर रहे हो, तो उसमें इतना अच्छे से याद नहीं हो पाता है। मेरी एडवाइस रहेगी कि अभी स्टार्टिंग में आप पहले एक सोर्स पे अच्छे से करो, उसके बाद उसको कॉम्प्लिकेट करो, ठीक है। तो नाउ समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है, राइट। सो नाउ इट इज़ वेरी हेल्पफुल, दिस इज नो डाउट कि मतलब आपके पास चाहे मैरो हो, चाहे डैम्स हो, चाहे प्रेपलेटर हो, आपके पास हमेशा एक एज रहेगा, क्योंकि अगर आपकी कॉलेज में कोई टॉपिक पढ़ाया गया आपको समझ में नहीं भी आया है, तो आप भले उसके उसको रटो मत, नोट्स मत याद करो उसके, बट आप समझ तो सकते हो ना। ब्रेकियल प्लेक्सस आज की तारीख में आप 10 मिनट का एक वीडियो देखोगे, आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बस, है ना। तो हेल्पफुल, इट इज़ वेरी हेल्पफुल हर टॉपिक के लिए। कॉलेज में हर टॉपिक कवर नहीं होता है, आपको ही पता है, कोई टॉपिक कभी आपको रह जाता है तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हो, बट यू कांट कम्प्लीटली डिपेंडेंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कि अगर उसमें म्यूकोपॉलीसेक्यूराइडोसिस एक डिसीज़ है, जो कि बायोकेमिस्ट्री में आपने शायद सुनी भी नहीं होगी आपके MBBS के लेवल पे, मतलब सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट पीजी में अच्छा खासा एक बड़ा वीडियो मिलेगा आपको इसके लिए, ठीक है। तो यू नीड नॉट टू बी कम्प्लीटली डिपेंडेबल, क्योंकि अगर आप कम्प्लीटली डिपेंडेबल हो जाओगे तो आपको पता है कि आपको ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म तो आता नहीं है और आप बड़ी बड़ी डिसीजेज याद कर रहे हो, ठीक है। तो पहले आपको कम्प्लीटली डिपेंडेंट यदि किसी पे होना है तो वह है आपकी बुक्स। बुक्स को पूरा अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट बनाओ, टाइम लो, ठीक है। सेकंड ईयर से बुक नहीं पढ़ोगे कोई भी, लिख के रख लो रॉबिन्स के अलावा, राइट। तो प्लीज़ अभी उसको टाइम दो, अभी जल्दबाजी मत करो। देन फाइन, यू हैव टू टेक इट, दैट्स नथिंग रॉन्ग, आप लेना चाहिए, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, राइट, फाइन। आज की तारीख में इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल एज वेल, क्योंकि हर कोचिंग ने ऑलमोस्ट मैरो प्रेपरेटर डैम्स ने फर्स्ट ईयर का एक्सक्लूसिव कोर्स निकाल दिया है, जिसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर मिलता है, तो आप वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, 6,000-7,000 में आ जाता है। तो अब इफ़ यू टेक हाउ टू यूटिलाइज, राइट, तो हाउ टू यूटिलाइज इज की कॉलेज की जो क्लासेज हैं, जैसा भी पढ़ा रहे हैं, PPT है, जो भी है, कुछ पॉइंटर्स बना लो। ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन आपने आज गए आपने कॉलेज में, आपने यू नो BP का रेगुलेशन जो है आपकी कॉलेज की क्लास में कवर किया। अब उसके बाद अगर उस दिन टाइम हो तो, या कभी भी हफ्ते में, आप एक बार वो वीडियो या जो क्लास है आपकी डैम्स में, जिसे लाइव क्लास लगती है, मैरो प्रेपरेटर में रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आपने सपोज करो हफ्ते के एंड में लाइव क्लास अटेंड करी, उसमें भी यही टॉपिक पढ़ाया गया, या तो फिर आपने हफ्ते के एंड में ये वीडियो देख लिया, तो आप उसके बाद वो वीडियो देख लो, उसमें आप कंसेप्ट बिल्डअप कर लो, फिर आप बुक पढ़ो, फिर बुक पढ़ोगे आप तो बुक में से आप अपने या तो नोट्स बना लो या बुक में ही हाईलाइट कर लो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको मैनेज कैसे कर पाते हो। एक अप्रोच होती है सिंपली, जो भी आपका क्लास अटेंड किया, बुक पढ़ी, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा कंसेप्ट समझने के लिए, मेरा वीडियो भी देख सकते हो, और फिर बुक पढ़ ली। या तो एक होता है कि आपको सीधा एक ही जगह पे सारे वीडियोस मिल गए, तो आप वहाँ पे एक बार देखे कंसेप्ट बना लो, पढ़ना तो फिर खुद से वो कवर अप हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू यूटिलाइज, डोंट यूटिलाइज इन सच अ मैनर कि आप अभी, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के लिए रिकमेंडेड नहीं है कि आप सारे 60 वीडियोज जो एनाटॉमी के वो एक बार में देख लो, आपकी कॉलेज में क्या चल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं, आप 20-30 दिन देके यू नो 60 वीडियोस एक साथ देख लो, नेवर डू दिस, ओके। धीरे धीरे करो और सिर्फ वो करो जो कॉलेज के साथ सिंक्रनी में बैठ रहा है, बिकॉज एक टाइम पे आपके साथ सारे वीडियोस देखाना फर्स्ट ईयर में बहुत रेयरली पॉसिबल हो पाता है, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड यूटिलाइज टाइमली, राइट। देन विच वन टू टेक, ठीक है, यू डोंट अंडरस्टैंड कौन सा प्लेटफॉर्म लेना चाहिए, सो लेट्स यू नो कंपेयर द वेरियस प्लेटफॉर्म्स एज पर द नॉलेज दैट आई हैव एंड वॉट आई हैव यूज्ड।
सो लाइक एनाटमी की बात करें तो पहले तो अगेन आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई कि देयर इज नो बेस्ट टीचर इन एनी सब्जेक्ट. लाइक वी कीप आस्किंग बेस्ट कौन सा है, बेस्ट कौन सा है. तो सब में आपको कंटेंट नीट पीजी के लिए 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, अब आप उसको कंपेयर करते हो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम से. आप चाहते हो कि हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम भी उस पर हम लिख लें, तो इसलिए आप बोलते हो उसमें कम है इसमें ज़्यादा है, ये बेस्ट हो गया. जिसमें ज़्यादा है सबको लगता है वही बेस्ट है. ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कंटेंट ज़्यादा होना इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर सीट, और नीट पीजी की प्रेपरेशन के लिए वो अलग है. ठीक है, तो आप उसको टीचर और सारे टीचर्स का ग्रेट नॉलेज होता है, तो यू शुड नॉट यू नो गो फॉर बेस्ट. जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, जो आपको एक्सेसिबल लगता है, लाइव क्लासेस चाहिए तो डैम्स, और रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो मैरो प्रेप. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत यू नो एक क्वांटिटी और कैसा रहता है. तो डैम्स और मैरो में एनाटॉमी का क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है. प्रेप लेटर में हमेशा आपको क्वांटिटी थोड़ा सा कंपैरेटिवली लोअर साइड पे मिलेगा, बिकॉज वो काफ़ी कंसाइज होता है. तो अब डैम्स मैरो में आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी. दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल, क्योंकि आपको लगभग 80% ऑफ द टॉपिक्स जो आपकी बुक में है, जो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपको इन दोनों सोर्सेज में मिल जाएंगे. इसमें आपको थोड़ा बहुत बुक में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. बुक तो इनमें भी पढ़ना है, बट एड ऑन करना पड़ेगा. ठीक है, नोट्स के मामले में डैम्स में फ्लोचार्ट्स बहुत अच्छे मदान सर पढ़ाते हैं डैम्स में. मेरे टाइम पे भी मैंने उनकी क्लासेस अटेंड करी थी. तो जो उनके फ्लोचार्ट्स हैं, जो बहुत इजीली फ्लोचार्ट्स होते हैं, उससे बहुत इजीली आपको यू नो टॉपिक समझ में आ जाते हैं. एंड जो डैम्स का क्वेश्चन बैंक होता है, वो नोट्स से काफ़ी सिंक्रनस है. मतलब ऐसा नहीं कि नोट्स पढ़ के आपको क्वेश्चन कुछ और ही मिल रहे हैं तो आप यू नो कन्फ्यूज हो जाते हो. तो ईजी रहता है. अगर अभी से आपको MCQ लगाने शुरू करने, यू कैन श्योरली ट्राई इट. देन यूनिक पॉइंट्स क्या है कि मैरो में एक इमेजेस काफ़ी अच्छी होती है. मैरो की जो भी क्लासेस आपको एनाटॉमी की मिलेगी, उसमें आपको इमेजेस काफ़ी हाई यील्ड मिलेगी. और प्रेप में टीचिंग स्टाइल, तो जो कौशल सर है, डॉक्टर कौशल सर, उनका एक अलग ही यू नो ब्रांड नेम है. ही इज़ अ ब्रांड इन एनाटॉमी एज सच. और उनका टीचिंग स्टाइल भी लिटरली मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मैंने खुद ने जब मतलब डैम से लाइव क्लासेस करने के बाद एक दो दिन में देखा था प्रेप लेटर के वीडियोस, तो मैंने एक बार उनसे भी रिवाइज कर लिया था फर्स्ट ईयर के टाइम पे, सॉरी सेकंड ईयर के टाइम पे, जब आई वाज रिवाइजिंग माय फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में आई डिड नॉट अटेंडेड एनी कोचिंग एज सच, बिकॉज उस समय हमारे टाइम पे तो ये ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं था, और टाइम मेरे पास भी सीरियसली बिल्कुल नहीं था. देन फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा. आपको जो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन है, वो शायद इतने अच्छे से आपको कोई भी कोचिंग नहीं पढ़ाएगी, बट यहाँ पे आपको स्पायरोमेट्री और ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके शायद MBBS में इतना काम नहीं आने वाली है इन सब्जेक्टिव एग्जाम. तो क्वांटिटी अगेन हियर गोज मोस्ट टू द डैम्स. और क्वांटिटी में मैंने फिजियोलॉजी में देखा है कि मैरो प्रेप में कंपैरेटिवली काफ़ी कम है. कम इन द सेंस आपके सब्जेक्टिव लेवल पे वो वाले टॉपिक्स नहीं पढ़ाए गए. बेरोसेप्टर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है. ठीक है, बुक कवरेज 80% टॉपिक्स हो जाएगा डैम्स में. फ्लो चार्ट्स अगेन यहाँ पे देवगन मैम पढ़ाते हैं, एंड शी इज़ द बेस्ट. मतलब लाइक जो उनका एक लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन है, वो काफ़ी यू नो क्रिस्प होता है. फिर पॉसिबिलिटी अगेन गोज द सेम. यूनिक पॉइंट्स में ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मैरो में मिलेंगे. ठीक है, कृष्ण कुमार सर के एक्सप्लेनेशन रहते हैं इसमें, तो काफ़ी ईजी है. मतलब सर का पढ़ाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है. एंड अगेन प्रेप लेटर में भी नालगिरकर सर हैं, उनका भी कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यू कैन गो फॉर एनी प्लेटफॉर्म, दैट्स नॉट एन इश्यू. देन बायोकेम में द क्वांटिटी एंड एज वेल एज द कवरेज यू नो गोज टू मैरो. राइट, मैरो में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है, सबसे ज़्यादा बुक कवरेज है. लगभग हर टॉपिक आपको मिल जाएगा. नोट्स काफ़ी मतलब बायोकेम में लिटरली आई कैन से कि आप बुक को थोड़ा सा अवॉइड करके चलते हो और आप नोट्स अच्छे से पढ़ते हो तो आपका काफ़ी काम हो सकता है. बुक आप देखते रहो ऐसा नहीं है, बट बायोकेम में नोट्स आर वेरी गुड. ठीक है, तो इट्स वेरी पॉसिबल टू कवर हियर. एंड इसमें डैम्स में आपको क्रिस्प मिल जाएगा. तो आपको कोई भी साइकिल चाहिए हो बहुत ही कंटेंट में, दो पेज में आपका पूरा ETC साइकिल आ जाए, तो बायोकेम में क्या है ना कि साइकिल्स और साइकिल को एक्सप्लेन करने में आपका टाइम निकल जाता है, तो आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सच. तो बायोकेम में एक ये प्लेटफॉर्म्स काफ़ी काम आएंगे. तो अल्टीमेट आपके हिसाब से जो आप चाहते हो बेस्ट प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉम्बिनेशन है. हर ऐप में कुछ कुछ अच्छा है, तो वॉट एवर यू कैन यू नो फील यू कैन टेक. सो नाउ चलो ठीक है, इफ़ यू टेक वॉट शुड बी द पर्पस. ठीक है, वॉट डू यू मीन, वॉट इज़ द पर्पस. दोस्त ले रहा था, उसने बोला प्रेप लेटर में डैम्स में मैरो में ऑफर चल रहा है, बैच का ग्रुप है ले ले. राइट, सो द पर्पस शुड बी वेरी क्लियर कि यू आर टेकिंग इट जस्ट एज एन एडिशनल हेल्प. राइट, इफ़ यू आर टेकिंग इट एज एन एडिशनल हेल्प, इट्स वेरी फाइन. आपको दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना है कि यार मुझे 70 वीडियो ख़त्म करने हैं, उसने ख़त्म कर लिए. आप मत करो यार, कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप 5 वीडियो करो, 6 वीडियो करो, कंसेप्ट बनाओ, बुक समझो, बुक पढ़ो. ठीक है, कभी भी शॉर्टकट से मत जाओ. आपका एक फ्रेंड ब्रेकियल प्लेक्सस डैम्स के या मैरो के वीडियो से देख के एग्जाम में हो सकता है बहुत अच्छा लिख के आ जाए, उसको नंबर भी आपसे ज़्यादा आ जाए,
बट यदि उसने बुक नहीं पढ़ी है, आपने बुक पढ़ी है, तो मेरी बात मानो, लॉन्ग टर्म में आपको वो चीज़ याद रहेगी और आप उसमें एड ऑन जरूर कर सकते हो फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग नोट्स. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड वॉट इज द पर्पज, डू नॉट रन बिहाइंड टेकिंग द शॉर्टकट्स फॉर सिक्योरिंग वेल इन योर एग्जाम. राइट, सो अगेन द टेक अवे मैसेजेस कि प्लीज़ डू नॉट रन इन द नीट या नीट पीजी या नेक्स्ट प्रिपरेशन, अभी आपके लिए कुछ क्लियर नहीं है. सेकेंड ईयर स्टार्ट होने दो, उसके बाद से आपको जो करना है वो कर लेना. अभी फर्स्ट ईयर में थोड़ा कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, थोड़ा सिस्टम को समझो, फ्रेटर्निटी को समझो, फाउंडेशन कोर्स में कुछ चीज़ें बहुत फ्रूटफुल होती है उनको समझो, फ्रेंड्स बनाओ. सो अभी थोड़ा सा चिल करो, कोई इशू नहीं है आपको, एकदम अभी से कोई नीट पीजी की नहीं बोल रहा है. अल्टीमेटली अगर नीट पीजी है नेक्स्ट, वो वाला जो पुराना पैटर्न ही होता है, तो इंटर्न में आके ही आप काफ़ी सारा कवर कर सकते हो. आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलोगे कॉलेज लेवल पे, तो इट्स फाइन. सो प्लीज़ डू नॉट रश इन द यू नो फील्ड की बस मेरा यूजी का कॉलेज अच्छा नहीं है, मेरे को पीजी में अच्छा चाहिए. पीजी में अच्छा चाहिए, ठीक है, टाइम मिलेगा, ठीक है. अभी प्लीज़ जो आपके पास है उस पर फोकस करो और थोड़ा थोड़ा एडिशनल आप एड ऑन करते रहिए. थैंक यू सो मच गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग.